हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉली। इजी कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत है। आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली की स्पेशल मिठाई, जो सिर्फ 7 काजू से ही बनाएंगे। यहाँ हमने काजू को ग्राइंडर में डाल दिया है पीसने के लिए, और साथ ही में आधी कटोरी चीनी भी डालेंगे, जिसे हम अच्छा सा पीस लेंगे एकदम बारीक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीसने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने लिया है एक कटोरी नारियल का भूरा, जिसे हम ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लेंगे, और इससे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार दिवाली में। जिस बाउल में हमने चीनी और काजू का पाउडर रखा है, उसी में इसे भी पीस करके मिला देंगे। फिर हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाज़ार में महंगी मिलने वाली मिठाई को घर में एकदम सस्ते में बनाइए, और बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको अगर ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस मिक्स को भी हम बाउल में निकाल लेंगे और सबको मिला लेंगे। इसको हाथ से धीरे धीरे अच्छे से मिला लेना है, और इसका एक हमें डो बनाना है। और इसको बनाने के लिए हमें थोड़े से दूध की ज़रूरत होगी, तो 1 या 2 चम्मच दूध पड़ेगा और ये डो बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। इसको एकदम हल्के हाथों से मिलाते जाना है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच घी भी मिला देंगे। घी मिलाने के बाद चीनी अपना मॉइस्चर खुद छोड़ेगी, और बहुत ही अच्छा सा फाइन सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अगर डो बनाते समय मॉइस्चर कम लगे तो थोड़ा सा दूध और डाल दीजिएगा। ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना स्मूथ बन गया है, और इसने बाउल भी बिल्कुल छोड़ दिया है। और अब हम छोटी छोटी लोई लेंगे, और जिससे कि इस तरीके का शेप बना लेंगे, जो कि बर्फ़ी की तरह लगेगा। ऐसा ही शेप दे करके हम सारी बर्फ़ी बना लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसे गार्निश करना है। आप चाहें तो बादाम से, काजू से, पिस्ता से, किसी से भी गार्निश कर दें। हमने यहाँ पर चांदी के वर्क से सजाया है, और ये बहुत ही सुंदर एकदम बाजार जैसा लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई बनकर तैयार है। दिवाली स्पेशल धमाकेदार चटाकेदार मिठाई आप ज़रूर बनाइएगा। मेरी तरफ़ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।